अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ हैं इरफान जहीर। इरफान साहब, आज बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है, पाक भारत टाकरा। रवायती हरीफ जो है वो आमने सामने होंगे। मेरा ख्याल है ना, पूरी दुनिया, नॉट ओनली पाकिस्तान एंड इंडिया, पूरी दुनिया इस मैच को देखने के लिए बेताब है। exactly. और इस साल का सबसे बड़ा भी टाकरा कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। आई एम डैम श्योर, ये जो फीफा की रेटिंग की हम बात करते हैं कि आई बॉल सबसे ज्यादा फीफा के फाइनल ने ली, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आज का जो मैच है ना, ये उसको बीट करने वाला है। बिल्कुल, और फैंस की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और हमारी अपनी टीम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अल्लाह करे वो हमारी उम्मीदों पर पूरे उतरे और आज का मैच वो अपने नाम करे, आज की जीत वो अपने नाम करे। अगर हम भारत की बात करते हैं तो उनके भी फैंस उतने ही एक्साइटेड हैं, पेट्रियोटिक हैं, वहां भी जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। और कहा यह जा रहा है कि आज मैच से पहले एक म्यूजिकल इवेंट भी मुनक्किद किया जा रहा है जिसमें बड़ी तादाद में क्रिकेट और हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी शिरकत करेंगे। तो बॉलीवुड में हमने अक्सर देखा है कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज जब होती हैं, जब मैचेस में जाती हैं, तो क्रिकेटर्स का मोरल ऑटोमेटिकली जो है ना वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। ये ना समहाउ वही जो ओपनिंग सेरेमनी है जो नहीं हो सकी थी, जो कुछ टेक्निकल रीजन इन्होंने बोल दिया, मेरा ख्याल है उसी का कुछ पार्ट जो है वो आज चलाने जा रहे हैं। और कवर अप कर रहे हैं, आप कवर अप कर रहे हैं। और बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड ऑब्वियसली इनकी जो दो ही तरह की लोगों को पूरी ये जिस तरह कहना चाहिए पूछते हैं इंडियन, और जिस तरह आपने देखा कि उनके जो एक्टर्स हैं और दूसरा क्रिकेटर्स हैं, और ये दोनों फिर वो जो मेलगमेशन हम देखते हैं दोनों का कंबाइन होके, वो बड़ा एक जबरदस्त खूबसूरत इम्तिजाज होता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर काफी लोग बात कर रहे हैं कि आज का दिन जो है वो साल का सबसे गर्म तरीन दिन होगा पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का मैच होने जा रहा है। और जब हम बात करते हैं मैच की और गर्मी की बात करते हैं, तो गर्मी में ये वाकई उधर है ना, कल रमीज भाई भी बता रहे थे कि कल वो ग्राउंड में गए हैं और वो बता रहे थे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का वो हॉट और ह्यूमिड था। जी ये मेरा ख्याल है कि मैच की जो शिद्दत है या हिद्दत है वो उधर आना नजर आती है। और अगर आप लोग भी ये समझते हैं कि मैच के दौरान कहीं भी आपका दिमाग गर्म हो सकता है, तो अपने अपने फ्रिज फ्रीजर्स में बहुत सारी स्प्राइट्स भर के रख लें, और जब भी आपका दिमाग गर्म हो बस स्प्राइट का एक सिप लें, अच्छा महसूस करें, ठंडा महसूस करें और अपने दिमाग को ठंडा करें। और वैसे भी मेरा ख्याल है मैच के दौरान इसका जो एक बड़ा डेडली कॉम्बो बनेगा स्प्राइट का, वो बड़ा इनको फायदा देने वाला है। आगे बढ़े जी, डिस्कशन करते हैं जी अपने हमारे पैनलिस्ट जो हैं। मेरा ख्याल है 92 के जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड है वो हमारा इस वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन का पार्ट है। सबसे पहले हम इंडिया से दावत देते हैं, वेलकम करते हैं वन एंड ओनली द लेजेंड द सुपरस्टार रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। बहुत शुक्रिया रमीज भाई, और उनके साथ दे रहे हैं एक और 92 के लेजेंड वन एंड ओनली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम आकिब सर, हमें लग रहा है भरपूर अंदाज में आज आप अपनी टीम को ग्रीन एंड प्लस ग्रीन के साथ आए। ग्रीन एंड ग्रीन, ग्रीन एंड ग्रीन। सर ने ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी और मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने सर को कॉम्प्लीमेंट दिया कि वाह वाह आज तो बड़ा पेट्रियोटिक मैच, तो कहते और हम कर भी क्या सकते हैं। नहीं, दिस कलर लुक्स रियली गुड, तो मुझे लगता है आज आप भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं टीम को, तो और क्या करें, उम्मीदें तो नहीं, दुआएं दवा के साथ दुआएं, आउट स्विंग तो करा नहीं सकता। बट यू मिस योर टाइम आई एम श्योर। अभी बातों से कर सकते हैं अबाउट से, लेकिन अपना वक्त तो याद आता होगा ना, इस पर भी आज हम बात करेंगे। हाँ, क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस थे। एनीवे, सबसे पहले जी हम रमीज सर की तरफ बढ़ते हैं। सर आज की अगर हम टाकरे की बात करें, अहमदाबाद में होने जा रहा है, बहुत बड़ा टाकरा है, और रवायती हरीफों की अगर बात करें तो आमने सामने होंगे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर शायकीन की बात करें तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से इस टाकरे को देखते हैं? देखिए, ये मुकाबला जो है ना, ये तो फील्ड में खेला ही जाता है, और उसमें स्किल्स और उसमें फिर ऑन द डे परफॉर्मेंस और आपका क्या कॉम्बिनेशन है, पास्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री, ये सब चलती है, फॉर्म कैसी चल रही है, मगर यहाँ भी खेला जाता है दो कानों के बीच में। सो पाकिस्तान को अनक्लटर्ड माइंड के साथ जाना है और सोचना है सिर्फ जीत का, और जीतने की स्ट्रेटेजी अपनानी है। ये नहीं है कि डिफेंसिव हो जाए और कि अब क्या करें हम, व्हाट इफ कैच हमने छोड़ दिया, या व्हाट इफ मार पड़ गई, या व्हाट इफ टॉस के बाद हमारी विकेटें गिर गई, उन्होंने हमें अंदर डाल दिया, ये पिच ऐसी खेलेगी। सो नेगेटिविटी को हराने के लिए आपका माइंड जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाना है, और उसके लिए आपको फोर्स करनी है वो अपने ऊपर वो हालत, और लाख प्लस का लोग हैं, पाकिस्तानी फैंस तो होने नहीं वाले हैं, सो इनको आपने अपना बनाना है, और वो कैसे बना सकते हैं, परफॉर्मेंस के, और इस स्टेज को समझना है कि मेरे पास हीरो बनने के लिए एक ऊपर वाले ने मौका रखा है और इसको मैं जाया नहीं करूंगा।
तो ये मेंटली अपनी गेंद को उठाना है। टेक्निकली भी पाकिस्तान की देखे बॉलिंग अंडर प्रेशर है, 4 times 350 रन खा चुके हैं ऑलमोस्ट। सो बॉलर्स को जो है अपने से बढ़ के खेलना है। और मेरी शाहीन अफरीदी से जो बात हुई वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह आप देखिएगा कि मैं पूरा जोर लगाऊंगा और आप सबको इम्प्रेस। एक और आपसे चीज जानना चाहेंगे, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी दोनों कैप्टन की। रोहित शर्मा ने कहा कि टॉस ऐसा सच मैटर नहीं करता, बट बाबर आजम की अगर बात करें तो उन्होंने कहा टॉस मैटर करेगा बहुत ज्यादा। साथ उन्होंने शाहीन के हवाले से जिस तरह आपने बात की, उन्होंने बात हुई, उन्होंने कहा कि शाहीन की एक दो परफॉर्मेंस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उधर सहाफी थे उन्होंने कहा कि आपका मेन बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहा तो कितना ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ये परफॉर्म करेंगे। और साथ ही उन्होंने एक सहाफी ने और पूछा कि ये मैच तो कप्तानी भी ले जाता है, तो इस हवाले से कैसे देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए बाबर आजम जो है ना वो एक ये शारग है इस क्रिकेट टीम की, ना सिर्फ बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो डिटरमिन करेगी कि पाकिस्तान इस मैच में कैसे खड़ा होता है। अच्छी बात यह है कि एक तरह से मिडल ऑर्डर जिसके ऊपर बहुत तनकीद होती है उसकी परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही जबरदस्त है। स्टेटिस्टिकली भारत से बेहतर नंबर्स हैं मिडल ऑर्डर के, प्रॉब्लम हमें टॉप ऑर्डर में ज्यादा है। सो टॉप ऑर्डर में मामला सॉर्ट आउट बाबर आजम ने करना है और इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए क्रीज के ऊपर, जल्दी नहीं करनी है। मैं समझता हूँ इस पिच के ऊपर शायद भारत 3 spinners खिलाए क्योंकि ये काली मिट्टी वाली पिच है और न्यूज यही आ रही है कि ये गेंद स्पिन होगा ताकि पाकिस्तान की जो एडवांटेज है फास्ट बॉलिंग को उसको नलिफाई किया जाए। मगर बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी जरूरी है और उनकी लीडरशिप भी। सो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडरशिप है, टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडरशिप है, अपनी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लीड करना है और टीम को एक इकट्ठा लेके चलना है और फिर किसको कब इस्तेमाल करना है। देखिए आज मैं दोपहर को ग्राउंड में था, मतलब ऐसे लग रहा था तंदूर में आपने को किसी ने आपको झोंक दिया है, इतनी गर्मी थी। तो 40 degrees के करीब था वेदर और सूरज। तो पाकिस्तान को ये भी देखना है, ऑलरेडी 19-20 मामले चल रहे हैं एक दो प्लेयर्स के साथ के अगर टॉस जीतते हैं तो क्या करना है। मैं समझता हूं कि अगर पिच जो है वो क्रम्बली पिच है तो फिर आप पहले बैटिंग करें, इसलिए कि बाद में और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। बट एनीवे ये बात की बातें, पहले तो टीम अपनी ठीक उतारनी है और सावा मीर पर पूरा ध्यान देना चाहिए, उनको फिट करने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉल पाकिस्तान को लेनी है। हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो अगर आप स्टेटिस्टिकल नंबर्स देखें तो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है, निचले नंबर्स पे आता है ये। और हमें पता है कि भारत की जो एक बैटिंग लाइनअप है वो अगर जब तक गेंद स्पिन नहीं होगा और ये बड़े दिल से बॉल नहीं करेंगे और आउट करने की नहीं करेंगे वो खा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा रमीज सर ने, और आकिब सर का भी हम कमेंट लेना चाहेंगे। बहुत बड़ा टाकराज होने जा रहा है, जैसे कि इरफान साहब ने भी बात मेंशन की कि हमारे कैप्टन जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कॉन्फिडेंट नजर आए, लेकिन हमारे एक दो प्लेयर्स 19-20 है, क्या कहेंगे, कितनी एक्सपेक्टेशंस है। शायद बता रहे थे जैसे शाहीन शाह की बात करें तो उनको फ्लू है और सामावीर को बहुत बात की जा रही है कि उनको चांस देना चाहिए, उनको टेम्परेचर बता रहे हैं। देखिए शाहीन का खेलना तो बहुत जरूरी है, बाकी दूसरी उसामा की जो बात है तो ये आज उसको खिलाना, अगर हम सोच रहे हैं कि वो अगर बीमार ना होते तो वो खेलते, तो हम तो ये कह रहे थे कि आप अपना कॉम्बिनेशन इतने बड़े मैच से पहले टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका बेहतरीन जो कॉम्बिनेशन वो क्या है। जब पाकिस्तान से जा रहे थे तो इवन के चेयरमैन पीसीबी ने और लोगों ने कहा कि शादाब को क्यों वाइस कैप्टन हमने बनाया हुआ है, उसकी तो अपनी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। जी। तो जिस पे कप्तान ने कहा कि ये इसको सिलेक्ट करें, इसको वाइस कैप्टन ही रहने दें, बिलीव मी दैट आई विल ड्रॉप हिम। हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा। तो जब आप टीम इस कॉन्फिडेंस से लेके जा रहे हैं, देयर इज लाइक एक होती ना हार्मनी, लाइक जो आपकी बेस्ट क्या 11 यही है कि आप बेस्ट आपके जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर सब बिलीव करते हैं, तो ऐसा नहीं था। प्रैक्टिस मैचेस में बॉलिंग की असामन ने भी की, शदाब ने भी की, नवाज ने भी की, और सबसे बेहतर उसी ने की असामन ने। ऐसे ही ठीक है। तो अब जब आपको पता है कि आपके जो साल दो साल से ये खेल रहे हैं ना इकट्ठे नवाज और शदाब, कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही जी, तो जब आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि अगर आप इंडिया में जा रहे हैं और आपके पास एक ऐसा स्पिनर नहीं है कि जिसका नाम दुनिया में कोई ले या उससे कोई थ्रेट फील कोई करे, देयर इज नो इंपैक्ट। देखिए ऑन गिवन डे कोई भी आउट कर सकता है
और जो शादाब ने आउट भी किए वो भी हम देख लूज रहे बॉल थी जी, वो आधी पिच में मारा हुआ वो छक्का मारने गया बाउंड्री आउट हो गया। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी विकेट्स यू गॉट, बट आपका इम्पैक्ट क्या है दूसरी टीम के ऊपर। और शाहीन के ऊपर आऊं, अगर शाहीन फिट नहीं होता तो फिर तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ये ऐसी टीम सिलेक्शन हुई है कि अगर इन तीन बॉलर्स में पहले भी एक हसन अली ऐसा है कि जो पिछले दो साल से टीम के साथ नहीं है जी। उसको एडजस्ट किया गया हम जी। ठीक है, अगर वो इतना अच्छा था तो पिछले दो साल से वो जो 18-20 का जो स्क्वाड होता तो उसके पास क्यों नहीं था। बिल्कुल, जो पास रखे थे जिनके ऊपर आप प्रिपेयर कर रहे थे वर्ल्ड कप की बेस, जैसे वो किधर है? एशिया कप की बात करें तो आपने धानी को और जमान खान को प्रेफरेंस दी। यस, यानी कि वो आपकी नजर में बेहतर ऑप्शन थी इन रिगार्ड के आप हसन अली पे बैंक करते तो आपने तो उसको आउट ऑफ द वे या कैप्टन के कहने पे रखा सी में। यस, इसका मतलब ये है कि यहाँ प्लानिंग का फुकदान है, सिलेक्शन कमेटी जो है वो बस कमेटी है, आगे रोल होते हैं ना, आपने कोई प्लानिंग करनी है, आपने कुछ एक चीज को लेकर फोर्स ही करना है कि वहां पे क्या सिचुएशंस हो सकती है, मेरे कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो ये एक फिकर है कि अगर एक इंजरी हुई तो यू हैव नो ऑप्शन जी, फिर उसको रिप्लेस आप करोगे तो वो आपका मेन बॉलर जो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। यस, बिल्कुल। सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने ये मारा है एक कि दो बैट्समैन बेंच पे बैठे हैं और सिर्फ एक पेस ऑप्शन और एक स्पिन ऑप्शन, यही गलती ऑस्ट्रेलिया ने की है। उनके पास तीन बेंच पे बैटर्स हैं और एक बॉलिंग ऑप्शन बाहर बैठी है। अगर कुछ इंजरी होती है या आपने कुछ आउट ऑफ फॉर्म है आपका बॉलर तो आपने डालना का पता ही नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आकिब सर, जिस तरह से आपने बात की आउट ऑफ फॉर्म होने की या कोई इंजरी मेजर अगर हो जाती है खुदा ना खासा, फिर समझ में आता है ये बुखार ये फ्लू होना दिस इज प्रीटी नॉर्मल। एंड जब फिर हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं इन लोगों में तो ये चीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आपको नहीं लगता ये ओवर सेंसिटिव हो कि अगर आप फ्लू की वजह से मैच नहीं खेल रहे खुदा ना खासा या फिर आप बुखार की वजह से नहीं खेल रहे, यू कुड जस्ट टेक मेडिसिन एंड यू कैन बी इन द फील्ड, और आपको खुद को प्रूव करना है इतने बड़े टाकरे में अगर आप फ्लू या बुखार का बहाना नहीं बना के बैठ जाएंगे तो आपको बहुत बैकलैश आएगा भाई लोगों की। बड़ा गुस्सा है देखा है अवाम में, हमने तो गुस्सा है भाई, हम सुन रहे हैं बुखार हो गया है, बहुत तत्ती सरप्राइज भी और ठंड लग। अच्छा मैं आपको एक चीज बता, इसमें ना देखिए दो तीन तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक लेट्स सी एक स्पिनर है उसको उतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती जितनी फास्ट बॉलर को करनी पड़ती, इसलिए कहते हैं कि अगर फास्ट बॉलर 10% भी नॉट फीलिंग वेल तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। बेटर है उसको बुखार भी उसको बल्ला पकड़ा के भेज दो, ये एट टाइम्स हमने देखा कि बंदे से भागा नहीं जा रहा, जी 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 ऐसे ही, इवन देन ही कैन बैट। फास्ट बॉलिंग एक ऐसा ऐसी स्किल है जिसके लिए एनर्जी चाहिए ना यार, इतनी दूर से भाग के आपने 85 या 90 माइल्स पे बॉल करनी है, यू नीड एनर्जी एंड यू नीड पावर। इंजी भाई का एक किस्सा बड़ा मशहूर है, उनको उनका पेट खराब हो गया था शायद कुछ अपसेट हो गया था स्टमक 92 के वर्ल्ड कप में, बट ही स्टिल प्लेड। देखिए ना स्पोर्ट्समैन खान साहब ने इतना डांट के खिलाया कि तुमने खेला, तो ये हमारे कैप्टन में ये चीज क्यों नहीं है। अच्छा वो भी जो स्टोरी है ना वो ये थी कि इंजमाम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस जा रही थी, ऊपर से वो बीमार था जी। उसने कहा मैं नहीं खेलना। अच्छा खान साहब को उसने कह दिया कि मेरे से नहीं खेला जाएगा। हाँ जी। तो खान साहब ने मुझे और मुश्ताक को कहा कि वो तुम्हारा ये दोस्त है, मैं उसे बैक कर रहा हूँ, तो उसको बोलो कि ना फील्ड करे वो खेले तो सही। हाँ जी। तो फिर हम दोनों ने उससे बात की, मैं कि यार तुझे कप्तान कह रहा है तो मतलब तेरा क्या मसला है, जाके पहले कौन से तू सॉन्ग कर रहा है, गो एंड ट्राई योर बेस्ट। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको आइडिया नहीं हो रहा होता कि आज का जो मैच है, देखिए आज का जो मैच है ये कई लोगों को अल्टीमेट हीरो बना, हीरो बनाएगा, जीरो ही बनाएगा। हमने एक ही वर्ल्ड कप जीता है ना, तो कितने साल हो गए ऐसी, तो आपको अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी होना चाहिए। और आपको नहीं पता होता कि आप चाहे कितना बेहतर फील कर रहे, मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है, कई दफा ऐसे हुआ कि इतना डिसिप्लिन दिखाया कि ये राइट खाना खाऊंगा, टाइम पे सोऊंगा, सोचूंगा सुबह 5 विकेटें लेनी है, इतने रन देने हैं, तो पहले 5 ओवर में सारे ख्वाब बिखर जाते हैं। और एट टाइम जब आप कहते हैं कि यार मेरे तो इधर निगल दर्द हो रही है, मुझे तो फ्लू हुआ है या मेरा गला खराब है, मेरे से उस तरह से नहीं वो ऑक्सीजन
एग्जर्ट कर रहा मैं, तो आप पांच पांच सात सात विकेट ले जाते हैं. सो अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर. जो रिकॉर्ड बनते हैं, आप चैंपियन बनते हैं, वो पहले नहीं आपको पता होता. और मेरा ख्याल है कि भाई इसमें दो चीजें हमेशा बड़े मैचों में बोली जाती है, एक लक और दूसरा आपका प्रेशर को गेज करना, हाउ यू हैंडल द प्रेशर. ये मेरा ख्याल है दोनों चीजें बहुत मैटर करती है. थोड़ा सा अगर मैच पे आए, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चीजें और कही. एक तो रोहित शर्मा ने जिस तरह कहा कि टॉस मैटर नहीं करता, बट इन्होंने कहा कि टॉस बहुत मैटर करेगा. दूसरा जैसे रमीज भाई ने बताया कि काली पिच है, स्पिनर को मदद दे सकती है, वो तीन स्पिनर के साथ जा सकते हैं जी. कैसे देखते हैं और क्या डिसीजन आप एक्सपेक्ट करते हैं, चेस करने को या पहले बैटिंग? सर के जवाब से पहले अगर हम कॉलर ले लें. हाँ, अली रजा हमारे साथ है सियालकोट से. जी अस्सलाम वालेकुम अली रजा, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम. मैं सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान इस वक्त टॉस जीतता है जी, तो पाकिस्तान को क्या पहले बॉलिंग लेनी चाहिए या बैटिंग लेनी चाहिए? चले ठीक है, क्वेश्चन किया था वही आ गया, वही तो इनवान हो गया. थैंक यू अली रजा, थैंक यू फॉर कॉलिंग. दो चार ही है, सारे पाकिस्तान में घूम रहे. देखिए इस तरह के जो है तो ये गेम वही जी जो हर बंदा खेलता है, ऐसे ही है. बट एक्सपेक्टेशंस स्टेक्स बदल जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. तो इसका आसान तरीका क्या है कि आप वो काम जो मुश्किल आपको लगता है वो पहले करो. जब आप पहले बैटिंग करेंगे टॉस जीत के, तो आपके पास तो कोई प्रेशर नहीं है ना. ऐसे ही अब वो तो नहीं हो रहा कि स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है, स्कोर बोर्ड आपको कह रहा है कि हिट मारो. ऐसे ही तो सबसे आसान ये होता है कि आप पहले बैटिंग कर. बिल्कुल ठीक. आप फ्री ऑफ माइंड व्हाटएवर पिच, क्योंकि टोटल बताती है पिच जिसके ऊपर कितना टोटल हो. आपकी ख्वाहिशात नहीं होती. बिल्कुल ठीक बात. जो पिच जिस तरह बिहेव करेगी उस तरह से आपने देखना है. मैसेज भेजते हैं क्योंकि पहले आप सोचते हो, एक रीड होती है पिच को देख के, इसके ऊपर ऑपोजिशन ये है, पिच इस तरह की है, इतना टोटल है जिसको हम डिफेंड कर सकते. Exactly. तो आप उसकी तरफ जाते हैं. फिर आप देखते हैं उसका बिहेवियर आपकी सोच के मुताबिक है या नहीं है. एट टाइम्स नहीं होता. बिल्कुल. फिर आप रीथिंक करते हैं और मैसेज जो खेल रहे होते हैं ओपनर्स या टॉप ऑर्डर, वो पीछे मैसेज एट टाइम पानी पीने को पानी लेके आए, उसे कहते हैं हेलो अब हम ये सोच रहे हैं कि इस पिच के ऊपर इस टारगेट के ऊपर जाना चाहिए. तो जब आपने एक टारगेट बना लिया, लेट से अगर इस पिच के ऊपर अगर 300 पाकिस्तान बनाता है और पाकिस्तान की बॉलिंग सारी खेलती, लाइक शहीन, हारिस एंड हसन, उसामा खेलता नहीं खेलता, आई डोंट नो, बट अगर वो खेले भी आज तो मेरे लिए कोई वो ऐसा, मैं उसको मिस नहीं करूंगा क्योंकि आपने उसको रेडी नहीं किया इसके लिए. यस. तो जो भी आपकी बॉलिंग है, आपका चांस ये है कि स्कोर ऑन द बोर्ड एंड यू डिफेंडिंग एंड पुटिंग प्रेशर ऑन इंडियन बैटिंग. कल भी हमने देखा अंडर लाइट्स, ये मैच ना सिर्फ 6 ओवर्स का है पाकिस्तान के लिए. व्हेन यू आर बॉलिंग फर्स्ट 6 ओवर्स में इंडिकेशन आ जाएगा कि ये जाना किस तरफ है. बिल्कुल. रमीश सर का भी हम कमेंट लेना चाहेंगे. सर सिंस यू आर देयर और आप देख भी रहे हैं वहां पर क्या हालात है, हम जानना चाहते हैं कि हाउ एक्साइटेड आर आवर प्लेयर्स, कितने ज्यादा एक्साइटेड है. फिर जब हम बात करते हैं प्रेशर की, क्योंकि भारत में मैच होने जा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये, आप ये बताइए कि जब आप होम ग्राउंड पे खेलते हैं तो क्या इसका बेनिफिट होता है या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है होम ग्राउंड पे खेलने का? देखिए प्रेशर मैच है, पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए. खैर मैंने पिच तो नहीं देखी है, बट मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ कि प्रेशर कम होगा. मगर मेरिट के ऊपर ये सारी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले मैच में तो रन चेस तबाहकुन किया है. सो ऐसा नहीं है कि रन चेस नहीं कर सकेंगे, मगर ये मैच जो है ना ये प्रेशर वाला है. सो प्रेशर में क्या चीज आपकी जो है वो आपको टूटने का खतरा है, क्या चीज किस चीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ये बाबर आजम ही बता सकते हैं. जैसे मैंने कहा ना कि इसमें फील्ड पोजीशंस आपकी इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि एंगल्स मुख्तलिफ होंगे अगर ये स्लो टर्नर है. फिर कितने ओवर्स पे आपने स्पिनर को लेके आना है, फास्ट बॉलर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, लेग कटर्स जो है या इंपॉर्टेंट होंगे शाहीन अफरीदी के, और फिर बाउंसर भी मैं समझता हूँ उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज जो है ना वो ईगो का भी एक मसला बना लेते हैं कि शॉर्ट बॉल पाकिस्तान के बॉलर करेंगे तो हम उनको मारेंगे, तो वहां पे भी मिस हिट का चांस है, स्पेशली अगर पिच ऊपर नीचे रहती है, स्लो रहती है, क्योंकि स्लो पिच पे बाउंसर को अच्छे टाइम करना मुश्किल हो जाता है. तो ये सारी चीजें हैं टैक्टिकली जिसका पाकिस्तान को अंदाजा लगाना है, और फिर वही बात है जीतने की तरफ जाना है. देखिए जब जीतने की तरफ की सोच हो जाए ना,
तो फिर आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है, फिर नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, फिर आप लाइन पे नहीं बैठते हैं, फिर आप ड्रॉ मेंटेलिटी के साथ नहीं खेलते, और पाकिस्तान को ऐसे ही करना है। जी बिल्कुल, अभी मेरा ख्याल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को इधर ही कंटिन्यू करते हैं, और बड़ा टकराव दुनिया का होने वाला है, स्टे विद अस। And we are right back after the break. You are watching Cricket World Cup game उठा दो। और आज के अगर मैच की बात करें तो बहुत सारे हीटेड मोमेंट्स आएंगे आज के मैच में। जब हीटेड मोमेंट आए तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि आपने ठंड रखनी है और पीनी है स्प्राइट। इसलिए अभी अपने रेफ्रिजरेटर्स में, अपने फ्रिज में स्प्राइट रख लें। हमने तो बड़ी देर से रखी और मेरा ख्याल दो पी भी चुके हैं हम लोग। बिल्कुल, और मुझे लगता है थोड़ी देर में स्प्राइट पीने का टाइम आ जाएगा, तो हमने भी ठंडी भी करवाने के लिए रख दी है। ड्यूरिंग द मैच हम इसको पियेंगे और अभी भी थोड़ी देर बाद। अरमीत भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं, मोमेंट तो ऑब्वियसली इधर भी बड़ी जबरदस्त आने वाली है, और ऐसा हीटेड मोमेंट थोड़ा सा जिस तरह हमने मैच के हवाले से बात की कि प्रेशर में पाकिस्तान कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, और यही चीज हमने देखा भारत भी कोलैप्स करता है। एशिया कप की हमने बात की, बाबर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, बट वो दैट वेंट रॉन्ग, आपने भी उस पर बड़ी हमने ट्रांसमिशन में बात की। अब जैसे ही हम भारत आ चुके हैं और एक दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, 130,000 की कैपेसिटी है। अच्छा, ये होम ग्राउंड के हवाले से बताइए, ये आके भाई से भी हम मस्त इसमें पूछेंगे कि ये प्रेशर किस साइड पे होता है। दूसरा ये कि फैंस का अगर आप अच्छा करते हैं तो चेयर अप भी करते हैं, नहीं करते तो वो आपके ऊपर उल्टा इफेक्ट भी डाल सकता है परफॉर्मेंस पे, कैसे देखते हैं इसको ओवरऑल? नहीं, क्राउड साथ होता है तो उसका बेनिफिट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर फिर उसका उल्टा इफेक्ट भी हो जाता है। अगर 4-5 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो भारत प्रेशर में भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें ये रेपुटेशन के भी मैचेस हैं, और मैंने जैसे पहले भी कहा कि हिस्ट्री तो खैर भारत के साथ है, मगर ऑन द डे पाकिस्तान जो है वो बड़ी तबाहकुन अपनी क्रिकेट खेल सकते हैं। और जो पिछला मैच है वो जैसे मैंने कहा कि एक ग्रेट रेफरेंस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, उस हडल में, उस डगआउट में, टीम मीटिंग्स में, और फिर मिटिकुलस आपको जो है ना प्लानिंग करनी है, क्योंकि आपको पता है कि रोहित शर्मा किस तरह से प्रेशर में आते हैं, विराट कोहली का तोड़ आपने ढूंढना है क्योंकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, बाबर आजम को भारत के अगेंस्ट अपना रिकॉर्ड ठीक करना है, इसी तरह से शाहीन अफरीदी को अपनी गेम उठानी है, स्पिनर्स को और काम करना है, हमारी फील्डिंग जो है वो बड़ी अच्छी होनी है, बहुत बड़ी आउटफील्ड है ये, और वैसे बिलियर्ड टेबल की तरह है, बहुत स्मूथ है, कंडीशंस अच्छी होंगी, मगर मैं जैसे कह रहा हूँ कि क्राउड तो आपने किसी ना किसी तरह से चुप कराना है, क्योंकि हम भी खेले हुए हैं ईडन गार्डन में सन 86-87 में, लाख का मजमा था, और वो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है जब आप चौका या छक्का लगाते हैं, सो उससे आपको सुकून मिलता है कि चलो 3 मिनट के लिए शोर आपके कानों में नहीं जाएगा। सो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का, आउट करने का, कि इस क्राउड को खामोश कराने का तरीका यही है। बिल्कुल ऐसे ही आके भाई, यही आपसे जानना चाहेंगे, हमने ऑब्वियसली भारत को कई दफ़ा उनके कंट्री में डिफीट किया है, जैसे मोहाली का टेस्ट मैच बात करें तो बड़ा एक ज़बरदस्त हमें याद कराता है, खासतौर पर चेन्नई में अगर बात करें तो सईद अनवर के 194 वो तो हमेशा मेरा ख्याल है हमारी मेमोरीज में रहेंगे, और कई साल आलमोस्ट 15-18 साल वो दुनिया का सबसे बड़ा टोटल भी रहे। तो जब ये रेफरेंस पॉइंट के तौर पर जैसे रमेश भाई कह रहे हैं कि आप किसी और कंडीशन में जाके रन्स करते हैं या अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक हिस्ट्री बनती है, तो आप एज ए प्लेयर आप भी बहुत इंडिया में खेले हो, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, इंडिया के खिलाफ खेलना और आम एक मैच खेलना डिफरेंस बहुत ज्यादा है। Exactly. आपको घर फोन करें तो वही मैसेज आता है कि बेटा आज नहीं हारना, चाहे वर्ल्ड कप तुम ना जीतो आज नहीं तुमने हारना। हमारा वर्ल्ड कप ही आज तो हमारे लिए दो वर्ल्ड कप है, एक आज है और एक फिर 19 या 17-18 से जो आगे शुरू होंगे, इसी को मैनेज आपने करना जी। आप कभी भी आप एक चीज सोचो, जैसे ये क्राउड की बात हो रही है तो जब आपके अपने लोग, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, उनके सामने आपको कहा जाए ना कि गाना सुना दे तो शाये होते हो। हाँ। गलती से आप डरते हो। एग्जैक्टली exactly. तो ये क्राउड भी आपके साथ यही करता है अपना क्राउड होता है ना, तो वो जब आपके अगेंस्ट जाता है ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं तो हमेशा ये सोचता भी हूँ और मैं इंजॉय भी करता हूँ कि इन फ्रंट ऑफ योर क्राउड क्या उसका मजा,
आप जाओ ना उधर जिधर आपके खिलाफ सारे आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आप गलती करो तो वो शोर मचाएं, वो हंसे, आपका मजाक उड़ाएं, तो उधर मजा आता है परफॉर्म करने का। हाय हाय हाय। और दूसरी चीज ये कि इट्स अ माइंडसेट, माइंडसेट ये है कि आपने मुश्किल चीज में आसानी ढूंढनी है, तो कामनेस इधर चाहिए। बीइंग अ कोच प्लेयर, मैंने तो एक ही चीज सीखी और लोगों को यही बताता हूँ कि आम हालात में आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आपकी एनर्जी लेवल ऊपर रहे। जी। इस तरह के मैचेस में आपने अपनी एनर्जी को डाउन करना है। इवन दो हम जब खेलते भी थे या मैं कोच भी था, इंडिया से मैचेस होते हैं या अंडर 19 लेवल के ऊपर भी, उनको ये स्पेसिफिक बताते हैं कि जो होता नहीं मैच शुरू, काम डाउन, सेव योर एनर्जी, एंड इट्स नॉट T20 गेम। ये बंदा हारता इधर से है, दिमाग थक जाता है, ठंड रखनी पड़ती है। हमारे साथ इस वक्त सारे कॉलर भी मौजूद हैं। सलामत खान मानसेरा से, जी अस्सलाम वालेकुम सलामत खान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा आपके से सवाल है। जी जी पूछिए। आपके भाई पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन, क्योंकि क्रिकेट खेलते देखा है, फिर आपने हमारे यहाँ के दो लड़के शाहीन और जमान इस तरह ट्रेन किया, वो बहुत जबरदस्त है। और मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आज उसामा मीर को ट्राई किया जा सकता है किसी एक जगह पे, क्योंकि उनकी बॉल फिर भी ग्रीन कर रही है, बाकियों की नहीं कर। बिल्कुल वही जो आप बात करते हैं, वही क्वेश्चन है उसामा के वाले। देखिए दो ही डिसीजन आज होने चाहिए, जी फखर इन उसामा इन, क्योंकि उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आप जब इंडियन बैटिंग को देखते हैं तो उसको आउट किए बगैर आप नहीं जीत सकते। और अगर आप देखें हिस्ट्री ऑफ लाइक इंडियन पाकिस्तान गेम्स, पाकिस्तान कैसे जीतता है, एक बॉलर ने हमेशा रन थ्रू किया। आप सईद अनवर वाले मैच की बात की, जी बहुत बड़ा स्कोर हुआ लेकिन 5 विकेटें मैंने भी ली, आपने ली, मैं उसी तरफ आने लगा था। उसकी वजह क्या है? मैंने जितनी दफा भी शारजा डेड पिचेस पे, कुछ ऐसे कैसे हो सकते हैं यार, आप 5-5 विकेटें 7-7 विकेटें ले लो, इट्स नॉट द गेम, इट्स अबाउट द माइंडसेट। आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हो, प्रेशर क्रिएट कर देते हो। सर हमारे लिए भी इस टाइम ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, इतना प्रेशर क्रिएट हो चुका है कि हमने भी अभी एक जल्दी से ब्रेक लेनी है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए क्रिकेट वर्ल्ड कप, गेम उठा दो। Once again, welcome back in World Cup game, उठा दो। रमीज भाई आपकी तरफ दोबारा बढ़ेंगे, ये बताइए अगर हम पाकिस्तानी कम्बिनेशन की बात की, थोड़े से भारत के कम्बिनेशन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। एक तो शबनम गिल के हवाले से बताइए, क्या वो डेंगू से रिकवर कर चुके हैं और प्लेइंग 11 का पार्ट हो सकते हैं? दूसरा आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने बताया कि पिच जो है वो स्पिनिंग लग रही है और टीम भारत के साथ जाएगी, या आपको लगता है कि शार्दुल ठाकुर के साथ वो चांस लेंगी, कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कैंप ये फील कर रहा है कि 3 स्पिनर्स भारत खिलाएगा, वो पता नहीं सुबह क्या करते हैं, विकेट को देख के ही वो डिसीजन लेंगे। और शुभमन गिल जो है 99% कहते हैं फिट हैं, और भारत चाहेगा कि वो खेले, हालांकि नेट्स नहीं की उन्होंने, थोड़ी सी कमजोरी भी होगी डेंगू के बाद, जो है बॉडी जो है वो अच्छी खासी कमजोर हो जाती है, बट यंग है, एथलीट है, तो शायद रिकवर कर गए होंगे। उनके आने से बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा भारत को, क्योंकि बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, अच्छी बॉलिंग को फड़काते हैं, और फिर ये के पिछले मैच जो एशिया कप में हुआ था वहां पाकिस्तान के अगेंस्ट ठीक ठाक इन्होंने बैटिंग की। अच्छा रमीज सर, हमने देखा है कि भारत को हराने का एक आसान मंत्रा यह है कि उन पर अटैक कर दिया जाए, जब हम अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो वो फौरन से कोलैप्स कर जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि आज हमारे प्लेयर्स इस अप्रोच के साथ उतरेंगे, या फिर वही कन्वेंशनल स्टैटिक स्टाइल जो उनका चलता आ रहा है उसी के साथ ही खेलेंगे? नहीं देखिए, पाकिस्तान जो है उनको आइडिया है कि एक दफा ये बैटिंग ऑर्डर भारत का सेट हो गया और टॉस जीत के अगर बैटिंग की भारत ने, तो अगर पाकिस्तान ने टेक्टिकली आउट करने की कोशिश नहीं की तो ये बैट आउट भी पाकिस्तान को कर सकते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए फिर बड़ा मुश्किल रन चेज हो जाएगा। 350 श्रीलंका के अगेंस्ट तो हो सकेगा, इनके अगेंस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बुमराह ने जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग कर दी है वो लाजवाब थी,
यानी कि रन भी नहीं दिए, चार विकेटें भी ली, लेग बॉल उनका विकेटों में आता है, बाउंसर बड़ा नपातुला करते हैं, ऑफ कटर। बुमराह को अच्छा खेलना पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है और उसके खिलाफ जो है वो टेक्टिक्स बड़े सीधे साधे होने हैं। अगर तो उसको डिफेंड करना है तो फिर पूरा डिफेंड करना है, आउट नहीं होना उनके अगेंस्ट अगर आप वो थ्रेट समझते हैं, या कुलदीप यादव के अगेंस्ट जो स्ट्रैटेजी आपकी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कुलदीप यादव को खिलाए भारत ने पाकिस्तान को सामने रखते हुए, क्योंकि यही मैच है, यही वर्ल्ड कप है भारत का भी और पाकिस्तान का भी। तो ये इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। मैं समझता हूँ कि टेक्टिकली आपको हमला करना ही करना है, चाहे वो बाउंसर से करें, चाहे वो स्लो डिलीवरी से करें, प्लान हो, फील्ड अंदर रखें। देखें ये बाहर फैलाने से फील्ड कोई रन हमारे रुकते नहीं, क्योंकि कहा रमीश सर ने कि टेक्निक में हमला करना ही पड़ेगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच रमीश सर फॉर योर टाइम। इजाजत देते हैं जी, इन्होंने एक मिनट के लिए जाना है, इंशाल्लाह रात को दोबारा इनसे रमीश भाई से बात करते हैं इंशाल्लाह। जी अकबर भाई, थोड़ा सा अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन के हवाले से, ब्रेक ले ले पहले, ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए क्रिकेट वर्ल्ड कप गेम उठा दो। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप गेम उठा दो। आकिब सर, इंडिया ने टॉस जीत ली एंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। यही फैसला आई थिंक हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हम चेस करने की जब बात करते हैं तो पाकिस्तानी टीम पर कहीं ना कहीं जाकर फिर प्रेशर आ जाता है। बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा ये डिसीजन, मतलब हम जीत गए एक तरह से, आधा मैच जीत गए। नहीं देखिए उसमें मैं क्यों उस टेक्निकली इसको एनालाइज करते हैं ना जी, देखिए अभी वो कह रहे हैं गर्मी है, एयर में कुछ ड्राई है, उसका मतलब ये पिच भी देखी है वो भी ड्राई है, ऐसा नहीं है कोई मॉइस्चर है, अर्ली ऑन कुछ बहुत ज़्यादा सीम स्विंग होगी। ऐसे प्रेशर गेम में आप तब ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बैटिंग में कि आपको ये प्रेशर नहीं है कि जी 350 करना है, ओपनर्स हैं वो स्टडी स्टार्ट ले सकते हैं, मिडल में भी आप टाइम ले सकते हैं जी। और जितने भी रन बन गए उस पिच के हिसाब से तो आप यू आर कंफर्टेबल। जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो अगर आपने 370-80 करना है या 350 करना है तो बॉल वन से आपके बैक ऑफ द माइंड में ये प्रेशर होता है कि एवरेज बढ़ ना जाए। अब पिछले दिनों क्या हो रहा था जब हम कह रहे थे हमारी मिडल ऑर्डर बुरी है, मिडल ऑर्डर बुरी है, ऊपर से प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता था जब जब उनकी बारी आती थी तो 15-12-16 के वो एवरेज बन जाती जी। जी। तो फर्स्ट में फायदा ये है क्योंकि अपनी स्किल है, आपने जितना स्कोर कर सकते हैं आप कर लो। एक तो रन ऑन द बोर्ड इज इम्पोर्टेंट, दूसरा क्या है इंडिया अगर आपसे हारेगी तो वो ये है कि शाइन या नए बॉल से ऊपर से विकेटें मिलनी चाहिए। तो अभी तक जो भी हमने देखा है अंडर लाइट सेकेंड बॉलिंग फर्स्ट 6 ओवर्स में बॉल एयर में भी मूव होता है और पिच से वो स्किड डाउन करके थोड़ा सीम होता है जी। तो आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए बिल्कुल, रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन अर्ली ऑन विकेट। अच्छा भाई, ये आपको लगता नहीं है ये जिस तरह हमने पहले भी बात की, भारत दोनों मैच चेस करके जीता है इस वर्ल्ड कप में और उन्होंने हमारा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो देखा कि हमने भी चेस करके आए, क्या आपको लगता है बैक ऑफ द माइंड ये चीज उनके हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने चेस का फैसला किया? देखिए इंडिया हारेगा कब, जब उनकी बैटिंग भी साथ-साथ कोलैप्स करेगी। प्लेइंग 11 बिल्कुल उसमें हम देखें तो इमाम के साथ ही इन्होंने किया जी, फकर नहीं आए, इफ्तिखार है, शादाब है और नवाज है, वही सेम टीम, हां जी कोई छेड़ा नहीं है। और उनकी अश्विन है इसमें नहीं, ठाकुर है, ठाकुर है जी, सेम टीम्स हैं दोनों की, दोनों की सामने बस एक उनका शुभमन गिल आया है ईशान किशन की जगह, वो तो बीमार था वापस आ गया जी जी जी। सो आई थिंक इसके ऊपर कोई एग्रेसिव रिएक्शन किसी ने नहीं दिया, जो भी हो रहा था उनकी नजर में बिल्कुल ठीक हो रहा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मैच में दो चेंजेस करनी चाहिए जी, फखर को लाना चाहिए था क्योंकि आप क्या कहते हैं कि फखर इज नॉट इन इन अ फॉर्म, गुड फॉर्म, इमाम फॉर्म में है। हाँ जी, exactly. अच्छा दूसरी चीज ये है कि लेट से आज अगर इमाम परफॉर्म करता है क्या वो इंडियन टीम को हर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। नॉर्मल बैटिंग करेगा वो कर ले या बाबर कर ले, रिजवान कर ले, नो डिफरेंस, तीनों एक तरह की। अगर फखर
खेलता है और रन्स तो किसी मैच में कोई भी कर सकता है, जब फखर चलता है तो वो मैच जीतता है। तो इसलिए ये तो मैं इस पे मैं कन्विंस नहीं। आप ब्लंडर ही समझ रहे हैं कि ब्लंडर नहीं है, वही जो एक सेट पैटर्न पे चल रहे थे, कोई रिस्क नहीं लेना, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना, कुछ अग्रेसिवनेस नहीं दिखानी। और दूसरा ये कि वही दो स्पिनर है, एक नवाज है, शादाब है, दोनों ने अगर ये अच्छे होते तो आज इस वर्ल्ड कप से पहले उनका कोई नाम होता, उनकी कोई परफॉर्मेंस होती, उनका कोई प्रेशर होता जी। तो पिछले दो साल से निकाल के देख ले, दुनिया के वीकेस्ट लिंक इन स्पिन बॉलिंग पाकिस्तानी स्पिन बॉल जी, ऐसे ही एवरेज और स्ट्राइक रेट की बात, ये दोनों डिसीजन लेने चाहिए थे, बिल्कुल नहीं लिए गए। और यहाँ फिर आती है कप्तानी, कप्तान कौन होता है जो देखता है सिचुएशन क्या है, टीम कौन सी है, और ये कौन सा कप्तान है कि कॉपी के ऊपर टीम लिखी हुई है, हारे जीते यही खेलेगी, ऑपोजिशन को देखा जाता है, ये एक बड़ा लंबा डिस्कशन। अभी एक कॉलर भी हमें ज्वाइन कर रही है, सलमान भट्ट सर, लाहौर सर, अस्सलाम वालेकुम जी। फैजान भट्ट जी, अस्सलाम वालेकुम फैजान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। फैजान साहब बताइए, आकिब भाई से क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा आकिब भाई से सवाल है कि आज पाकिस्तानी टीम जो बैटिंग करेगी, डिफेंसिव करेगी या अटैकिंग खेलेगी, ज्यादा क्या बेहतर है इनके लिए? चलें ठीक है फैजान भट्ट साहब, शुक्रिया आपके सवाल का। हम देखिए प्लेयर की जो रेपो है, स्टाइल है, वो वही रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमाम जो है वो गेल बन जाए और आज ही के मैच में बन जाए जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। एग्जैक्टली, तो आपने टीम चूज उस तरह से करनी होती है कि फखर तो नहीं ऐसे खेल सकता ना कि वो बिल्कुल रिजवान की तरह बैटिंग शुरू कर दे जी। वो तो अपने जब वो खेलेगा वो एग्रेसिव खेलेगा। तो आपकी टीम में एक तो फ्लेयर होना चाहिए कि अगर ये चल गया तो ये एक बड़ा टोटल लगा देगा। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ फ्लेयर की बात करें तो मेरे माइंड में एक ही नाम आ रहा है अभी पूरी बैटिंग लाइनअप के ऊपर, वो अब्दुल्ला शफीक है। जिस तरह के उस बच्चे ने पहले मैच के अंदर चेज किया और एक करियर शो की, और जब रन रेट भी रिक्वायर्ड था एक्सेलरेट करके दिखाया और शॉट्स भी दिखाई, तो क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान ने आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना है तो उसका परफॉर्म करना बहुत वाइटल हो सकता है? डेफिनेटली, इसमें अगर आप देखें तो एक नॉर्मल बैटिंग है जिससे आपके कितने रन बनेंगे, 300 बन जाएंगे, 300 से 370-380 तो फखर करा सकता था। अब नॉर्मल बैटिंग से अब्दुल्ला है ऐसा कि लोग उसे यही समझते हैं, जब हमने भी उसको पिक किया था ना जब आउट ऑफ बॉक्स तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला शफीक T20। बट आपने ये नहीं देखना, आपने ये देखना है उस इंसान को, उसकी उसके टैलेंट को जानने के लिए उसकी बात करनी पड़ती है, देखना पड़ता है और फिर फोर्स ही करना पड़ता है कि ये उस रोल में क्या कर सकता है। Exactly. अच्छा, आज हम अब्दुल्ला शफी को खिला रहे हैं, ये पिछले साल से वो किधर था? बात तो थी, आपने प्रिपरेशन क्या की है, आपने इसकी तैयारी क्या की है वर्ल्ड कप? ये तो मजबूरी में खिलाया आप, ये तो मजबूरी में खिलाया, वो उसने फखर ने हाथ ही खड़े कर दिए। तो इसका मकसद ये है कि हमारी पूरी टीम के अंदर अब एक अब्दुल्ला जिसने एक इनिंग हमने उसकी देखी है, हमने जबरदस्त वो खेला है, तो हमने क्या किया 6-8 महीने पहले? कुछ नहीं किया। अगर आकिब सर हम पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें तो अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वनडे में वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तानी टीम जो है वो भारत से जीती हो। क्या समझते हैं आज के दिन कोई हिस्ट्री बनने जा रही है, कोई रिकॉर्ड बनने जा रहा है? एवरीबडी इज यू नो बेटिंग ऑन दिस मैच। इसमें ना इंटरेस्टिंग स्टैट ये है कि 7-0 है, वो 7 दफा जीते हैं, हम कभी नहीं जीते, और ओवरऑल देखा जाए तो 134 मैचेस हुए हैं, 73 टाइम पाकिस्तान जीता और 56 टाइम भारत जीता, तो ओवरऑल में तो हमारा नंबर उनसे काफी ऊपर है। बट ये जो वर्ल्ड कप वाली जिंक्स है ना, ये आकिब भाई नहीं टूट पा रही, और ये टूटेगी भी पता किस तरह से जी। आज उसकी वजह क्या है? आज आप देख रहे हैं कि जो हाइप है जी। जो हम हर वक्त हर वर्ल्ड कप से पहले हम छत में मार देते हैं, इस दफा नहीं है ऐसे ही। इसका मतलब ये है कि जो प्लेयर्स के अंदर भी वो उनको हमने इंटाइस नहीं उतना किया कि वो अपनी गेम से भूल के कोई और गेम शुरू कर दे। बिल्कुल, आप ऐसे ही जीतेंगे, नॉर्मल रहेंगे, ओके यार कोई नहीं, हार जाएंगे ना तो क्या मुसीबत पड़ जाएगी। आप जब काम है आप अपनी एक गेम तब खेलते हैं, जब आप कोई इंटाइस हैं, आप एक्साइटेड हैं, तो अपनी गेम से
हट जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये ऐसे ही एक दिन होगा, मैं ये भी अपनी जिंदगी में जरूर देखना चाहूंगा, ये भी दिन हो, साउथ अफ्रीका के भी दिन बदले और न्यूजीलैंड के भी दिन बदले और हमारा ये दिन बदले। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है लाहौर से, हसन नासिर साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी हसन नासिर साहब। मेरा क्वेश्चन आकिब जावेद साहब से है कि पाकिस्तान को कितना फेस टोटल चाहिए होगा आज का मैच विन करने के लिए? ठीक है हसन नासिर, आप हमारी ट्रांसमिशन देखते रहिए, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। टोटल कितना होना चाहिए? यहाँ तो 350 भी कम पड़ गया एट टाइम्स, बट डिपेंड करता है पिच कैसी है। लेकिन जो प्रेशर देख रहे हैं हम, अब जो सारे जो लोग आए हुए हैं वो कुछ देखने आए हैं और वो अच्छा होगा अप्रिशिएट करेंगे, बुरा होगा हूट करेंगे, चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की उधर सपोर्ट नहीं है, वहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो जी ऐसे ही बड़े फैंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट के भी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को 300+ रन्स, 300 का जो फिगर है ना, 310, 320 ये रन करेंगे तो अच्छा मैच होगा बिल्कुल। और दूसरा ये कि शाहीन का ऊपर से स्ट्राइक करना वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये डिफरेंट टीम्स को ना डिफरेंट लोग हर्ट करते हैं, कई दफा आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती। मैं खुद ये मेरा हाल था बांग्लादेश से खिला लो, मैं सुबह उठता था बंगालियन क्या खेलने, पता नहीं आपकी मोटिवेशन होती जी, जी, जैसे इंडिया से मैच होता था आप ऐसे करके एंटीना खड़े हो जाते थे। और मुझे सुनील गावस्कर ये कहता होता था कि इस इंसान की अगर बॉलिंग देखनी है ना तो इसको इंडिया के खिलाफ देखा करो। बिल्कुल सही। तो ये शाहीन वो काम कर सकता है, फखर वो काम कर सकता था। उसके बाद हारिस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि मिडिल में हमारे स्पिनर तो इस काबिल है नहीं। तो ये शाहीन और फखर की फखर तो है नहीं, शाहीन हारिस बॉलिंग में ये दोनों अगर 5 विकेटें ले लेते हैं तो पाकिस्तान के चांसेस हैं। अच्छा भाई, एक कहा जाता है क्रिकेट में इम्पैक्ट जो प्लेयर है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप पाकिस्तानी प्लेयर के वाले से तो आपने समहाउ बता ही दिया कि शाहीन का रोल, हारिस रौफ का रोल, ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अब्दुल्ला शफीक की भी हमने बात की। इंडिया की तरफ से आपको क्या लगता है कि कौन कौन से 2-3 ऐसे अगर आप नाम लेना चाहें और आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं और पाकिस्तान को स्पेसिफिकली इन पे आई रखनी चाहिए और अटैक करना चाहिए? देखिए, एक तो कोहली है जी, ही परफॉर्म्स रियली वेल। कोहली तो जब खेलता है वो परफॉर्म करता है अगेंस्ट पाकिस्तान। और रोहित शर्मा भी इस तरह का प्लेयर है जैसे फखर, नहीं फखर को हमने बाहर कर दिया। हाँ जी। वो इस तरह के लोगों को बाहर नहीं करते, नहीं ऐसे करते। रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है, या तो वो अंडर 10 आउट हो जाएगा जी, या फिर वो बड़ा शॉकर। तो जिस तरह से उसकी फॉर्म उसकी जाती भी है आती भी है ना, तो फिर वो छोड़ता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, तो फिर आउट अपनी मर्जी से ही होता है, वो अपनी मर्जी से ही होता है। रोहित शर्मा जो गिल है वो एक ऐसा टैलेंट है कि जो नेक्स्ट सुपरस्टार बनने जा रहा है, ऑलरेडी उसने प्रूव किया है। तो दे हैव लाइक मोर इम्पैक्ट प्लेयर देन पाकिस्तान। रोहित शर्मा है, गिल है, कोहली है, हार्दिक पांड्या। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इस दोनों टीमों के अंदर, कोहली से बड़ा, रोहित शर्मा से बड़ा, वो हार्दिक पांड्या है। हमारे पास ऐसा नहीं है। और वो एक ऐसा प्लेयर है कि इन द मिडल, चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है जी, तो दोनों तरफ से आपको हर्ट करता है और मैच को चेंज करता है। तो सबसे बड़ा इस पूरे मैच में जो डिफरेंस है वो हार्दिक पांडे है। बिल्कुल सही। अच्छा आकिब सर, जब हम कैप्टन की बात करते हैं, कैप्टन की रिस्पांसिबिलिटी की बात करते हैं, गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है। जैसे फखर जमान के मगर इंडक्शन की बात करें, इस वक्त टीम में उनकी बहुत अशद जरूरत थी, लेकिन उनको टीम में क्यों नहीं रखा गया और कैप्टन की क्या अप्रोच है और कब ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे? जब हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं, इससे बड़ा टाकरा नहीं हो सकता पूरी दुनिया में, तो ये हमारे कैप्टन किस सोच के साथ आते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है? व्हाई दे डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? क्या वो मैच जीतना नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं, बट डिफेंसिव माइंडसेट। हम ये कहते हैं ना कि यार वो देखें कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्यों डिफरेंट कुछ चीज सोचनी है, कि रिस्क क्यों लेना है? जब तक आप रिस्क नहीं लोगे जी, तो आप कैसे, आप देखिए न्यूजीलैंड ने रविंद्रा को रिस्क लिया, बिल्कुल लिया, उनको क्या प्लेयर मिल गए,
ऑलराउंडर जो 10 ओवर करता है साथ बैटिंग बैटिंग करता है, और हम ये डरते रहेंगे देखें उसामा को, देखें उसने अभी मैच नहीं इतने खेले, वो कभी नहीं आपको प्लेयर मिलेंगे। हाँ जी। कप्तान का दिलेर होना, और मैं तो तरस गया हूँ दिलेर कप्तान देखे देखे, कब से हम शुरू हुए हुए हैं, मिसबा से शुरू हुए, आ गए अजहर अली, अजहर अली से बीच में नजर आया सरफराज, सरफराज पे लगा कि जरा अटैकिंग, और यही मैं आपको बताऊं ये 90s में इंडिया के साथ था, वो इतने डिफेंसिव ठुस किस्म के कप्तान होते थे, इतनी अच्छी टीम, ठुस कप्तान, और वो डर डर के 8-8 बैट्समैन खिलाते थे, फिर 150 में आउट हो जाते। तो आकिब सर कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म का भी एलिमेंट होता है, फेवरेटिज्म, क्योंकि देखिये एक कप्तान होता है जो जो लीडर्स ऑपरेट अलोन, लीडर का कोई दोस्त नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप दोस्तियों में जाएंगे आप अपनी टीम के सहारे कप्तान रहेंगे, देन यू कैन नॉट बी अ लीडर। और ये हमारे कल्चर का अनफॉर्चुनेट पार्ट है जिसमें नेपोटिज्म भी है, फेवरेटिज्म भी है। मैं तो आकिब सर से जानना चाहूंगी, और हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि जब आपका नेशनल एंथम चल रहा होता है ग्राउंड में कितना प्राउड मोमेंट होता है, और जब आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जैसे मुल्क में जब आपका तराना चल रहा होता है, और यही फीलिंग आती है कि आज मैंने कुछ ऐसा कर जाना, ये क्या ऐसा लगता है कि आज मैंने, और मैं इसको कभी रिलेट भी इस तरह करता हूँ, कई दफा आपको लगता है कि आप लोग और ये जो सोल्जर सरहदों पे खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये somehow इक्वल है। देखिए ना, वो भी अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतरता है, ऑब्वियसली रोल डिफरेंट है, बट एम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे पीछे, तो वो यही है कि कंट्री के लिए कुछ ऐसा कर जाना, कर जाना जिससे ये कंट्री अपलिफ्ट करे, इसका नाम बने, तो कैसे देखते हैं इसको? डेफिनेटली, और देखिए इसको फिर कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट। एक चीज, आप इतना हाइप क्रिएट हो जाती है जब आप ग्राउंड में जाते हैं, तो आपका इंडिविजुअल रोल छोटे छोटे होते हैं जी, आप उसके ऊपर फोकस करते हैं, चाहे क्राउड है, चाहे आपकी इमोशनल ड्राइव है, इमोशनल कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट इन प्रेशर गेम्स। आप अपनी गेम के ऊपर फोकस करना, क्राउड को इग्नोर करना, एट टाइम्स ऐसा लगता है कि आप ना स्पिन हो रही होती है पूरी ग्राउंड और सिचुएशन जब वो शोर होता है जी, तो आपको सोचने का, देखने देखना मुश्किल हो जाता है जी, तो उसमें यही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि काम अपने को रखें, ठंड रख, ठंड रखना बड़ी जरूरी है। और यहाँ पर हम व्यूअर्स के लिए एक और चीज भी अनाउंस करना चाहेंगे कि आप अपने वीडियो क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और जो सवाल आकिब सर को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा वो हम आपको गिफ्ट की सूरत में या सुवेनियर्स की सूरत में, आकिब सर की साइन, कोई शर्ट्स हैं या एनीथिंग, कोई कप है, कोई सुवेनियर है, हम आपको भिजवाएंगे। बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है, वो हम अभी रिवील नहीं करेंगे, वो अभी हम रिवील नहीं करेंगे, वो एक ग्रैंड सरप्राइज है जिसके लिए हम, चलिए ये बता देते हैं कि अदर देन दीस सुवेनियर्स हम आपके लिए एक और बड़ा सरप्राइज भी लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना यह है कि आपको अपने वीडियो क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप करने हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आपने अपने वीडियो क्वेश्चंस हमें सेंड करने हैं, और क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, जिस तरह का हमारा पैनल बड़ा जबरदस्त है, उसी में से हम पिक एंड चूज करेंगे, हमारा पैनलिस्ट इसको डिसाइड करेंगे किसको क्वेश्चन सबसे अच्छा था, और उसको ऑब्वियसली फिर ये नाम मिलेगा। आई वुड रियली, आई वुड एनकरेज ऑल द गर्ल्स वॉचिंग अस आउट देयर, जो लड़कियां हमें देख रही हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ ये चीज बहुत ज्यादा अटैच की जाती है कि क्रिकेट का इतना नहीं पता, तो तमाम खवातीन, वो तमाम लड़कियां जो इस वक्त हमें देख रही हैं, और अगर आपके जहन में भी कुछ सवालात हैं क्रिकेट से जुड़े, और वो आप समझती हैं कि वो बहुत अच्छे सवालात हैं, तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप करें अपनी वीडियो, अपने सवालात, ताकि हम चूज करें और विनर डिसाइड करें। नहीं ना, वैसे आपको देख के काफी लड़कियों को मोटिवेशन मिल रही होगी, अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि लड़कियों को कुछ नहीं पता। बस ठीक है, आई एम ग्लैड अगर आपने ये चीज कन्फेस कर ली है। ऐसे ही। और इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन अभी ज्यादा देते हैं भाई, और ये दुआ करते हैं और मैच देखते हैं, और सारा पाकिस्तान करेगा इंशाल्लाह के हमारे ओपनर भी आ चुके हैं, ये शानदार परफॉर्म करें, और ये जो हम अपनी सारी जिंदगी में जितनी भी जिंदगी गुजरी है उसमें जो एक हसरत करते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीते तो इंशाल्लाह आज वो दिन ये हो, और फिर उसके बाद हम इसके साथ दुआओं के साथ शुक्राने के साथ आगे इसको सेलिब्रेट करें। अभी इजाजत चाहते हैं जी, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।
खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।